फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट अगर स्लो चलता है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इस ऑप्शन को टैप करना है। अब इसके अगले पेज में रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। आपको ये जो तीन सेटिंग दिखाई दे रही है ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाएगी। आपको नीचे से रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पे मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट पेज में सबसे नीचे रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन, आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है रीसेट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको थोड़ी देर में नीचे लिखा हुआ आ जाता है, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप टैप करेंगे दोबारा, तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।